आज हम वेटरन्स को बहुत फख्र है कि हमारे प्रमुख, तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सब वेटरन्स के प्रमुख, हमारे मुखिया आज हमारे बीच आए हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी, आपके आने के पहले हमने यहाँ बच्चों को एक फिल्म दिखाई थी, टर्निंग पॉइंट एट टोलोलिंग। उसमें एक कर्नल रविंद्रनाथ वीर चक्र और सेकंड राजपुताना राइफल्स की बहादुरी की गाथा थी, जिसने कारगिल के युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दिया। लेकिन बड़े दुख के साथ राजनाथ सिंह जी, मुझे बताना पड़ता है कि पिछले साल कर्नल रविंद्रनाथ बेचारे परलोक से धार गए, और जब उनका अंत्योष्टि क्रिया की गई बेंगलोर में सिवाय फौज के, उनको रोने वाला कोई नहीं था, उसके परिवार के आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस तरह के विजय दिवस मनाते रहे, अपनी वीर नारियों को यहां लाए, ताकि हमारा देश उनके चेहरे देखे, उनके बच्चों के चेहरे देखे और हमारे वीरों को याद करे। याद करने में किसी का कुछ जाता नहीं, सम्मान देने में किसी का कुछ जाता नहीं, लेकिन जो देश अपने वीरों को सम्मान नहीं दे सकता, वो ज्यादा देर देश नहीं रहता। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बड़े बदलाव की लहर इस देश में आ रही है, देश भक्ति की लहर यहां से ऊंची उठ रही है, और इसमें वेटरन्स का बहुत भारी योगदान है। जेएनयू के वाइस चांसलर साहब यहां बैठे हैं, इन्होंने जो वामपंथियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, जो देश के विरोधी हैं उनके खिलाफ जेएनयू जैसे संस्थान को बचाने की मुहिम, ताकि देशभक्ति का प्रभाव वहां फिर से हो। जब वहां कृष्ण कन्हैया एक नए अवतार में आ गए थे, तो उस वक्त इन्होंने हमें इजाजत दी, वेटरन्स इंडिया 2400 फुट लंबा झंडा, तिरंगा झंडा लेके वहां गए, क्योंकि हमें बताया गया था कि वहां कुछ ऐसे उपद्रवी छात्र हैं जो 6 फुट बाई 4 फुट का, जिनको भारतीय झंडा मंजूर नहीं है। तो वहां 2400 फुट का झंडा हमारे जेएनयू के चांसलर साहब की इजाजत से हम ले गए। माननीय रक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी कैडेट कॉलेज, हमारा जो सिग्नल्स का स्कूल है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हमारा CME, ये सब का एफिलिएशन जेएनयू के साथ है। जब ये बात करी वेटरन्स ने कि जेएनयू में एक टैंक होना चाहिए, वामपंथियों ने हमारी खिल्ली उड़ाई। इन वामपंथियों को भारत की जनता ने बता दिया है कि उनकी औकात क्या है, उनकी ये जो देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग की औकात क्या है। माननीय रक्षा मंत्री जी, मेरा एक वेटरन की हैसियत से आपसे निवेदन है कि वहां पे एक टैंक, एक जेट फाइटर और एक तोपखाने की गन वहां पे लगाइए, ताकि देश को पता चले कि 80,000 जेएनयू के छात्र सैनिक हैं, और ये हमें, ये कोई शर्म की बात नहीं, फख्र की बात है। हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस है, जिसमें जो भी हमारे अफसर शहीद हुए लड़ाई में, सारी लड़ाइयों में, उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। एक छोटी सी ऐसी हट हम चाहते हैं कि जेएनयू में भी बने, जेएनयू में बने, हर एक यूनिवर्सिटी में जिसके छात्र शहीद हुए हैं वो बने, क्योंकि अगर हम अपने शहीदों को याद नहीं रखेंगे, हम देश नहीं रहेंगे। ये देश में हवा बदल चुकी है, अब देशभक्ति की लहर फिर से उठ रही है। और माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हम रिटायर्ड हैं, वी आर नॉट टायर्ड, हम थके नहीं हैं। आप आदेश दीजिए,
जिस भी युद्ध में हमारी जरूरत है हम जाएंगे, हम फिर लड़ने को तैयार हैं, फिर लड़ने को आते रहे। और हमें बड़ी उम्मीद बनी है जब से आप रक्षा मंत्री बने हैं कि अब हमारे देश के दुश्मनों का सफाया होगा। पाकिस्तान को उसकी औकात समझा दी गई थी बालाकोट में, लेकिन एक ये दिल मांगे मोर। रक्षा मंत्री जी, मैं आज सब वेटरन्स की आवाज आपको सुना रहा हूं, ये दिल मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर जो वेटरन्स इंडिया की हमारी प्रथा है उसके मुताबिक देखना चाहता हूं कि हमारे वेटरन्स और हमारे बच्चों में ज्यादा जोश है या इस बुड्ढे सिपाही में। आर यू रेडी? ओके, बोलिए मेरे पीछे, जय हिंद। अरे साहब, हमें मत सुनाइए, पाकिस्तान इस्लामाबाद और बीजिंग तक की आवाज पहुंचाइए। एक बार फिर, जय हिंद। थैंक यू।